बेटे अभी आपकी उम्र शिकार पर जाने की नहीं है अनवर मियां। हम इतना बड़ा हो गया, आप कहते हैं उम्र ही नहीं। अच्छा साहब, आज माफ कर दीजिए, आइंदा जब भी शिकार पर गए आपको जरूर लेकर जाएंगे। सुनिए, एक बात मानिएगा। सारी जिंदगी आपकी हर बात मानी है बेगम। तो फिर आज शिकार पर न जाइए। खैर तो है, हमारे इस शौक पर पहले तो आपने कभी कोई एतराज नहीं किया। दुरुस्त फरमाते हैं, रात हमने अजीब सा ख्वाब देखा है, ख्वाब ऐसा था कि दिल दहल गया, रात का बाकी हिस्सा हमने जाकर गुजारा है। बेगम, ख्वाब ख्वाब होते हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मगर हम शाम से पहले आ जाएंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। जुबान नहीं होती, टूटने वाले बोला नहीं करते। तुम्हारे अब हमसे टूट गए बेटे। बुला लूंगा अम्मी। अबू जान बोलिए ना, अबू जान आपका बेटा आपको पुकार है, बोलिए अबू जान, बोलिए अबू जान, बोलिए ना। रो जितना जी चाहे रो बेटे, रो। रोने से अर्श तो मिल सकता है, यतीमी की दीवारें नहीं गिर सकती। बेटे तुम यतीम हो गए हो, तुम्हारे अबू मर गए। अबू मेरे अबू नहीं मर सकते, अम्मी मेरे अबू नहीं मर सकते, अबू अबू नहीं मर सकते। हो जाइए बेटे, जो हो जाइए। भाई जान, भाई भाईजान, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अपने होठों से माफ की चुप हटाकर उस तरफ इशारा कर दीजिए जिस तरफ से ये जख्म आप तक पहुंचे। मैं दुनिया के आखिरी किनारे तक इंतकाम बनकर पहुंचूंगा। भाभीजान, भाभीजान आप ही कुछ बताइए, बताइए। लेकिन आखिर आपको कुछ तो पता होगा कि मरहूम की किस किस से दुश्मनी थी। किसी से नहीं, कोई इनका दुश्मन नहीं था, सभी दोस्त है। किसी अपनों में से किसी अपने ने दुश्मनी की है, किसी अपने कीजिए। जिस किसी ने भी मेरा लहू उछाला है, कुछ दिन के बाद इस जमीन पर उसकी कब्र उभरेगी। सबर कीजिए भाभी। ये हाथ से भी कितने जालिम होते हैं भाभी। भाई को भाई से, बीवी को शौहर से और बेटे को बाप से पल भर में जुदा कर देते हैं। ठीक कहते हैं भाई जान। सुहाग आपका लुटा, बाजू मेरा कटा और नन्हे अनवर को यतीमी मिली। मुझे तो इस घर के दरों दीवार से दबी दबी सिसकियों की आवाजें सुनाई दे रही। खुदा के लिए चुप हो जाइए भाई जान, चुप हो जाइए। कैसे चुप हो जाऊं भाभी? चुप हो जाऊंगा तो कलेजा फट जाएगा। और कुछ कहिए तो मैं पागल हो जाऊंगी भाई जान, मैं पागल हो जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसी बातें न कीजिए भाभी जान। अभी तो आपको जिंदा रहना है, बहुत से काम करने हैं, और फिर इतनी बड़ी जागीर के वारिस अनवर की परवरिश भी तो आप ही का फर्ज है। बीवी की जिंदगी तो शहर के आखिरी सांसों के साथ ही खत्म हो जाती है, लेकिन मैं अनवर के लिए जिंदा रहूंगी, जिंदा रहूंगी। जिंदा आप यहाँ न रह सकेंगी भाभी, ये घुटा घुटा सा माहौल, उदासी और फिर यादों के बेशुमार जख्म आपकी जान ले लेंगे। बेहतर यही आपके लिए कि आप कुछ दिनों के लिए अपने मैके चली जाएं। देखिए ना, जगह बदलेगी,
वक्त गुजरेगा, जी बहलेगा तो आंसू मुस्कुराहट में ढल ही जाएंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ भाभी? तो फिर मैं आज आपके जाने का बंदोबस्त किए ही देता हूँ। हमेशा अपनों की लाशों पर तामीर किए जाते हैं। ले जाओ इन दोनों को, गोली मारकर लाशें खड़ में फेंको। ले जाओ, चलो चलो चलो। Oh!
भी ये बरसों पहले की तरह खामोश है। कौन है ये, क्या है, क्या गुजरी है इस पर, इसका अब तक पता ना चला। न जाने किसको तलाश कर रही है इसकी निगाहें, किसकी राह तक रही, किसका इंतजार है इसे। ये कौन ऐसा है, किसकी आवाज है? नहीं, नहीं, वो नहीं मर सकता, नहीं, वो लोगों की दुनिया में नहीं डूब सकता। मेरा बेटा जिंदा है, जिंदा है। सरकार, शहर में या गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। अनवर बेटे। जी अंकल। तुम बाय कार जा रहे हो? जी हाँ। माशाल्लाह तुम फॉरेस्ट अफसर बन गए हो और शाहिद मियां डॉक्टर। सुना वो भी तुम्हारे साथ हिल स्टेशन जा रहे हैं? अंकल उससे मैंने कहा कि वो यहाँ रहकर प्रैक्टिस करे, लेकिन वो कहता है जहाँ तुम वहाँ मैं। अच्छी बात है, बहरहाल वहाँ पहुँचते ही अपनी खरीद की सलाह दे। बेहतर, खुदा खुदा। चल अभी तक नहीं आए, आती होगी माँ। तेरे अब्बा कहाँ है? अब्बा बाहर बैठे। इस बार तो रहम फरमा मौला जी। अब्बा, दाई माई आ गई। अंदर ले जा। चल माई, चलो। या लायक बेटा दे दे। मेरे मौला एक बेटा दे दे, बेटा दे। मुबारक हो माला बच्च। लड़का है माई। बच्ची है भाई। हाँ। वाह रब जी वाह, मैंने तो एक बेटे की दुआ की थी और आपने बेटियों की पूरी एक पलटन दे दी। सात बेटियां, सात बराते, सात जहेज। कम बात आ जाती है, जीना जीवन कर दिया कम बक्तों ने, उसकी बात मेरे लिए। गुल बेटी, लेकिन बच्चों के लिए खाने का कोई इंतजाम है? कुछ भी नहीं है अब्बा, आटा दाल घी कुछ भी तो नहीं है। अच्छा बेटी, बेटी ये 10 रुपए ले लो, 5 रुपए बुढ़ी माई को दे देना, 5 रुपए का आटा दाल घी वगैरह मंगवा लेना। अच्छा अब्बा। चंचल तुम काम में अपनी बहन का हाथ बटाना समझी, और शैतानी बिल्कुल मत करना समझी। शैतानी के अलावा अब्बा सारा काम करूंगी, पर वो नई बच्ची की टट्टी नहीं साफ करूंगी। बोल बेटी, बेटी मैं जा रहा हूँ, किदार मेरा इंतजार कर रहा हूँ, इधर बच्चों का ख्याल। सबको कुछ दिया हाथ से, मजनू के कासा ले लिया, इंडा का पटका फिर जमीन पर एक बार, रक्स में मजनू हुआ बस बेकरार। चना चूर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना चूर गरम, चना चूर गरम बाबू मैं लाया मजेदार। क्या क्या बकवास है, क्या बकवास कर रहे हो? मुझे
तुम कौन हो? मैं दफ्तर का चपराती हूँ। मैं तुम लोगों से बाद में बात करता हूँ। ये सब क्या है? ये टेबल है, ये मैं हूँ, ये टेलीफोन है। कौन हो तुम? किसकी इजाजत से अंदर आए हो? मैं आपके चपरासी की पिटाई करके अंदर आया हूँ और आपको इसलिए उठाया है कि दफ्तर के टाइम में आपकी इस लाश को सोने की इजाजत नहीं दे सकते। क्या? अभी एक सवाल का जवाब बाकी है। मेरा नाम अनवर है। आपका नाम अनवर अब्दुल जैद बकर जो कुछ भी हो, मेरी सेहत पर इसको कोई असर नहीं पड़ता। आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। For your kind and poor information, मेरा नाम सईदुल हक भट्टी, असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर सेंट्रल जोन। और आपकी kind information के लिए मेरा नाम अली अनवर, चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर। तो फिर मैं क्या करूं? माफ कर दीजिए, इससे ज्यादा सीधा मैं नहीं हो सकता। मेरा मतलब मैं बिल्कुल सीधा हो गया हूँ। आप अगर कहेंगे ना तो रात को भी नहीं सोऊंगा। और आइंदा दयानतदारी से काम करोगे? इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। स्टाफ को जाकर बताओ कि दफ्तर काम करने की जगह है, वक्त जाया करने की नहीं। इंशाल्लाह अब यहाँ काम ही होगा जी। अभी सबको जाके सीधा करता हूँ। क्या समझा हुआ इन्होंने सबने? अजीब अजूबे हैं इस दफ्तर। मेरी लाश लाने मुझसे दूर चली गई, हम भी चढ़ गया। मेरे अखलौती थी। बेटी तुम्हारी? नहीं। बहन थी? नहीं। अरे बाबा फिर कौन था? मेरी चप्पल। लाहौल। मेरे अब्बा है ना, मेले से लाया था। माशाल्लाह, आप बहुत बकवास किस्म की लड़की हैं। यानी कि चप्पल के लिए आप ऐसे रो रही हैं जैसे कि आपका आदमी गिर गया हो, है? तुमने? ये। देखो मुझे इस किस्म की बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। खूबसूरत तो इसलिए माफ कर रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? चलो चलो, तुम भी वैसी हो जैसे अभी पिट कर भागा है, वो भी नाम पूछ रहा था। अच्छा बाबा, मुझे सिर्फ दास बंगले का रास्ता बता दो मिर्च बेगम। क्या? दास बंगले का रास्ता? पागल, वो सामने तो है। अच्छा, थैंक यू स्वीटी। ड्यूटी? बाबूजी बात सुनना जरा, ये लकड़ियाँ उठवा दो। ये लकड़ियाँ कहाँ ले जा रही थी? अपने घर। मगर ये तो सरकारी माल है। हाँ जी, मैंने चौकीदार का आठन दे दिए। अरे आठने में इतनी बहुत सी लकड़ी? ये काम तो बहुत दिनों से हो रहा है जी। बहुत खूब, तुझे मालूम है ये जुर्म है? है जी। हाँ जी। फिर जी? ये जी फिर ये कि ये काम बिल्कुल नहीं होगा, और तुम कल दफ्तर आओ सामने, वहाँ पर आकर उस चौकीदार को बताओ जिसने पैसे लिए। कौन सा दफ्तर? अरे वो जंगलात का दफ्तर, वो है सामने। थोड़ी सी लकड़ियाँ ले जाओ, आज घर में रोटी कैसे पकेगी। हाँ थोड़ी सी ले जाओ, करो ये कट्ठर। अच्छा। आठ आने में पूरा जंगल खरीदेगी। अच्छा जी। बेईमान लोग हैं बाबा। कम लो कम लो। मैं क्या सोने हो, कभी साढ़े ना भी कोई दो गल्ला कर लिया करो। की कर ले? सवेर दा तुहाडे इंतजार विच बैठे हैं, सेब खाओ खाओ। कभी साढ़े को दो बोल भी बह के प्यार दे बोल लिया। अच्छा भाईजान। भाईजान? पहला प्यार का बोल ये, तो दूजा बाकी कल दे दे। कल दे दे? कल मैं इतने बैठा हूँ, इधर छेती। अरे इधर बैठ के गल कर दे। अच्छा जी। <हे हे हे। laughs>
मुझे कितने दिनों का लगा, क्या मैं खूबसूरत नहीं? बड़ी खूबसूरत। बहुत अच्छा हूँ मैं, तुम्हारे पीछे लगा बहुत खूबसूरत। कैसे कैसे पीछे पड़ गए तो बस। शैतान की हालत थी इतनी फ्री के तौबा। क्या बात है भाई? शायद ये इलाका मुझे जाना पहचानी में पहले भी आया और यही कहीं वो दो आंखें भी मैंने देखी है, वो कातिल की आंखें। जी उठिए सरकार, आप यहाँ तन्हा और वहाँ हुजूर की नई नवेली दुल्हन तन्हा। उठिए सरकार। उठी गया मुझू हमारी सांवली सलोनी आठवीं बीवी अंदर किस कदर बेचैन हुई। हम जा रहे हैं, तू ये सिलसिला भी अंदर भेजा। हुजूर इसी अंदाज का सामान पहले ही अंदर भेज। दरवाजे पर ही रही हो जो। हम तेरी
बढ़ा देंगे तनख्वाह। ये आलीशान बेडरूम, ये फूलों की सेज और ये जर्क बर्क जोड़ा तूने तो कभी ख्वाब में भी ना देखा होगा, लेकिन हम हसीनों की इज्जत इसी तरह बढ़ाया करते हैं। सातवीं बीवी को तलाक देने के बाद हमने आइंदा शादी न करने का अहद किया था, लेकिन जब हमने तुझे देखा पसंद किया तो हमारा एक कच्चे धागे की तरह टूट गया। आज के हम तुझे इसमें उतारना चाहते हैं। तू हमारी सबसे महंगी बीवी है, इसलिए आज की रात हम बादशाहों की तरह गुजारेंगे। आज सामने शराब रखी हुई है, शराब उठा और मेरे करीब आया। मेरा हुक्म नहीं सुना तूने? मैं आखिरी बार कह रहा हूं, आ जाओ। तू इस घर की दुल्हन नहीं, खरीदा हुआ माल है। नफरत करती है शराब, आज तो मैं तेरे हाथों से पीऊंगा। मैं गरीब से हूँ लेकिन शरीफ माँ बाप की बेटी हूँ, खुदा के लिए मुझसे ये काम न कराइए। हमने तुझे इसी काम के लिए खरीदा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पांव पड़ती हूँ आपके, मुझसे वो काम न कराइए जो मेरे खानदान ने पहले कभी किसी ने नहीं किया। उठाओ वो दर। गिलास में शराब डालो। बर्फ और पानी भी डालो। इसको वहां रखो। हमारे करीब आओ। Office neat and clean, shoe polished. बिल्कुल ठीक, लेकिन माय डियर ये और ये भी साफ होना चाहिए, इसलिए कि हम सब आवाम के खादिम। दुरुस्त कहते हैं आप। मैं आ जाऊंगी अंदर। अरे तुम क्या बात जी? वो कल लकड़ियां जंगल में, आपने कहा था कि दफ्तर आ जाना। अरे हाँ, ये तुम्हारा स्टाफ फॉर्म का माल सस्ते दामों कैसे बेचता है, तुम उस चौकीदार को पहचानती हो? हाँ जी, वो जी बाहर बैठा है, पतला दुबला सा लंबा सा। यस ये? हाँ जी यही है, इसने कहा था आठ आने दे जाओ तो जितनी चाहे लकड़ियाँ ले जाओ। बदतमीज कहीं के, जाओ मैं तुम्हें बदयांती के इल्जाम में डिसमिस करता हूँ। और तुम भी कान खोल कर सुन लो, सरकारी जंगलात से बगैर पैसे दिए लकड़ियाँ ले जाना जुर्म है, समझी? नहीं समझी। क्या नहीं समझी, मैं फारसी बोल रहा हूँ? वो जी बाजार में लकड़ियाँ बहुत महंगी है, बाप गरीब है, औलाद ज्यादा है और गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। क्या कहता है तुम्हारे बाप? वो जी चाकीदार क्या मुलाजिम है, वो मुआ सुबह से लेकर रात तक काम लेता है और तनख्वाह देता है 20 रुपए, ये भी कोई इंसाफ है? चलो जी, क्या करूँ, लकड़ियाँ खरीदो जाके। अफसर साहब फकीर नहीं है हम। अरे फकीर कौन कह रहा है फकीर हो तुम, मैं तुमसे बड़ा हूँ तुम छोटी हो, रखो ये रखो।
क्या नाम है तुम्हारा? गुल साहब। गुल साहब जी? गुल जी। गुल जी नहीं जी, गुल। गुल? अच्छा, जाओ। I think she is confused girl. She is not confused girl. She is bongi girl. Kupe. Hey, तुम इधर इधर किधर से आ रही हो? और ये नोट बाबू साहब ने दिया है, वो जब से साहब है ना उन्होंने। क्यों दिया है? लकड़ियों के लिए। बहुत ही अच्छा आदमी है, बहुत रहम दिल है, गरीबों की तो बहुत मदद करते हैं, हंसकर भी बात करते हैं। अरे ना बाबा ना, बहुत ही गुस्सेदार आदमी है, आवाज तो इतनी रोबदार है कि तौबा तौबा, बंदा सुन के डर जाता है। मेरा दिल तो अभी तक धड़क रहा है। बोलता कैसे है बताती हूँ। हाँ। रख लो। अच्छा हाँ, लंबे चौड़े कोरे चिट्टे साफ सुथरे कपड़े और जूता, जूता तो इतना चमकदार की कुछ हद ही नहीं। बहुत पसंद आ गई है। अच्छी आदमी है तो इसलिए अच्छा कह रही हूँ। अरे चुपके से नोट वापस करा, वरना माँ को खबर हो गई तो बहुत मारेगी। अरे तू तो लड्डू समझकर नोट ले आई है, वो कोई हमारा रिश्तेदार तो नहीं लगता? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही तू, मैं अभी वापस कर दूंगी। मैंने सुमे का क्या करना है, पर अभी नहीं। अच्छा तू कहाँ जा रही है? मैं मुंशी के पास डाक बंगले जा रही हूँ। हाँ तेरी की, जब भी कोई मेहमान आता है तुझे बुला भेजती है। अरे दो चार दिन खाने को ठीक से मिल जाता है, वरना अपने घर तो जब देखो फाकी नाच रहे होते हैं। बड़ी नदी दिए तू। अच्छा तू जा मासी के पास, मैंने अभी हंडिया चढ़ानी है। अच्छा। ए साहब नाश्ता कर लो। तुम उस दिन पोटली सर पे? हाँ हाँ उस दिन थी, पर बाबा अभी नहीं, नाश्ता कर लो। अरे नाश्ता तो रोज करते हैं, आज तो बातें करेंगे। बहुत दिनों बाद ये खूबसूरत लड़की से मुलाकात है। क्या? अरे कुछ नहीं, बैठ जाओ। हाँ बैठ जाती हूँ, पर अपना नाम तो बताओ। डॉक्टर शायद, तुम्हारा नाम क्या है? चंचल बेपरवाह। सचिन ते बेपरवाह बैरे हो गया। चंचल बेपरवाह से क्या? वो क्या होता है? मेरा मतलब शायरी करती हूँ। वो क्या होती है? शायरी मतलब शेर। हाँ शेर। अरे वो जंगल वाला शेर नहीं, शेर वो जो कि कहे जाते हैं। कहे जाते हैं? मसलन तो बाटक मिला। अरे और चल दौरे नाश्ता कर लो। ठंडा होने, अपना तो वैसे ही पेट भर गया। क्या भूख तोड़ हुसन है? वैसे एक बात बताओ, शादी वादी हो गई? शादी? अरे अरे क्या हो गया तुम्हें? शादी क्यों याद दिलाती? अरे मुआ मूछ वाला, अल्लाह उसे गारत करे। मूछ वाला? मूछ वाला कौन? अरे वही मेरा घर वाला, वो आजकल शहर गया हुआ है। वो यहाँ होता है तो पैर दबाता है, मालिश करवाता है, और अगर गुस्से में आ जाए तो मार मार के चमड़ी उधेड़ देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबियों के मालिक है। लेकिन तुम क्या सोचने लगे? मैं अपनी खुशनसीबी पे गौर कर रहा हूँ कि जिस लड़की को भी पसंद करता हूँ वो बेचारी ऑलरेडी शादीशुदा होती है, उनमें से तुम भी एक हो। सब्र करो बाबू, लेकिन वैसे वैसे तुम मुझे पसंद आ गए हो। अच्छा? लेकिन मुआ मूछ वाला। नाश्ता। अरे ओ चंचल, आई मासी। इस नए सदमे ने तो मेरी भूख और बढ़ा दी। सलील अन देखा मूछ वाला। अरे तू क्यों मेरी नौकरी के पीछे होके पड़ी हुई है? मेरी मासूम जवानी पे रहम कर, मेरा दिल बहुत नाजुक है, चली जाए यहाँ। खुदा गवाह अभी नहीं जाऊंगी, साहब से बात करके जाऊंगी। तू मुझसे बात कर ले, मैं साहब तक पहुँचा दूंगा। सलाम सर। वो सर आधे घंटे से इसे कह रहा हूँ चली जा, मगर ये मानती नहीं। ये नहीं मानती तो तू चला जा बाहर। क्या बात है? वो जी बाहर जाओ छोटे साहब। नहीं 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 नहीं, जो बात होगी इसके सामने। इज्जत की बात है जी, मगर मेरे लिए बड़ी बेइज्जती की बात। ये क्या है? वापस। क्यों? माँ को दिखाऊंगी तो पूछेगी कहाँ से आया, अगर तुम्हारा नाम बताया तो मार पड़ेगी। और हाँ चंचल कह रही थी इतने बहुत से पैसे मतलब के बगैर कौन किसे देता है।
बहुत आला नस्ल की पागल है तू भी और वो चंचल भी जिसने तुझे ये राय दी। चल बाहर जा, इस मुसीबत को फिर साथ ले जाओ। हाँ ले ले। सांप हो गया हलाल। कौन हो गया हलाल? नोट तुम्हारी दोपहरी 10 दिन तक मेरे जिम्मे। वाह वाह वाह, ये बड़ी अच्छी तरकीब निकाली है, मगर रोटी लेकर यहाँ मत आ। चलिए दरवाजा वो जाइए। अरे जा भी ना। जी पागल लड़की। अबे बटे, सर हो गई इज्जत की बात? हाँ तुम्हारी इज्जत की बात हो गई। सुनो जी, मैं अभी पूरी लोकेशन का सर्वे करना चाहता हूँ। सर इस वक्त सर्वे करेंगे तो फ्लू हो जाएगा। ओके सर। अरे एक बात और जी, जिस गधे को कल मैंने निकाला था ना, गरीब आदमी, उसे समझा के दोबारा रख। एज यू विश। चलो तैयारी करो, मैं आता हूँ। बहुत का हिस्सा है पर चलेगा। चंचल ये क्या हो रहा है? ढक्कन पे दूध का भगोना ढक रही थी क्या? नहीं, भगोने पे दूध का ढक्कन ढक रही थी। चंचल ये दूध कैसे कम हो गया है? वो बिल्ली दूध पी रही थी, मैंने उसे भगा दिया। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर कुछ भी नहीं हुआ, फिर मैं ढक्कन ढक ढक ढक। तूने तो दूध नहीं पिया ना? ईमान से मैंने नहीं पिया। अच्छा जलील, अल्लाह करे मर जाए, दफा हो जाए यहाँ से। कमबख्त माँ का हिस्सा भी नहीं छोड़ती। कौन बाजी? बदतमीज बहुत है बिल्ली, खा पी के मुंह भी नहीं पोंछती। बाजी तुमने तो मुझे शर्मिंदा ही कर दिया, दूध का सारा मजा ही किरकिरा हो गया। खैर ऐसा होता रहता है। गुल बेटी आइए। बा जी। बेटी तुम अभी तक जाग रही हो? मेरी तो अभी आँख खुली है अब्बा। आँख मेरी भी अभी भी खुली है अब्बा। अच्छा ठीक है ठीक है। बेटी रात बहुत हो चुकी है, तुम लोग जाकर सो जाओ। शाबाश। क्या नाम है तुम्हारा? गुल साहब जी। गुल मेरा तेरा कोई रिश्ता है? फिर बैल की तरह उठा के यहाँ क्यों चली आती है? तुम अच्छे आदमी हो ना, इसलिए अच्छे लगते हो। अरे पागल खान है, तुझे पता है तो क्या कह रही है? अपनी बात का मतलब समझती है? दिल की बात मैं नहीं कहूंगी तुमसे, बिल्कुल नहीं कहूंगी। पता है कौन कहेगा? गुल साहब। मैं तो न बोली मेरे बोल उठे कंगना, बोली मेरे बोल उठे कंगना, ले लो ले तेरे कहा क्या मेरे सजना। Yeah.
आया सावन का वो महीना, इधर से गुजर रहे थे, सोचा अपने पुराने वफादार मुलाजिम मौला बख्श का घर देखते चले। बेचारा मौला बख्श, ये उम्र गुर्बत और सात बेटियां। मज्जू जी सरकार, कारिंदे से कहो मौला बख्श की तनख्वाह दुगनी कर दे। जो हुक्म सरकार। बच्चों को कपड़े बनवा देना। इसकी क्या जरूरत है सरकार? अरे पकड़ो, जरूरत है तो दे रहे हैं। हम अपने आदमियों को मुसीबत में घिरा हुआ नहीं देख सकते। चलवे मज्जू। हाय लम्मा, ये कितने रुपए का नोट है? पता नहीं, तेरा बा आके बताएगा। लौकी बहरान से, लौकी बहरान से, बैगन आटा न शेर, भिंडी आटा न शेर, भिंडी आटा न। ओहो मेरे बात कदर दास फुलदान भाई जान, किया एक आने शेर, भिंडी दो पैसे शेर, टमाटर 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 एक पैसा शेर। अबे मुंडो के क्यों भाव खराब कर लिया? अबे भैया इतनी सस्ती तो घास भी नहीं बिकती। अबे चप्पल घूसट अपना माल है, किसी के बाप के घाव से ही जिस भाव मर्जी हम बेचेंगे, और बेचेंगे यार की गली में, यार की गली में। किया दो आने से, किया एक पैसे से, और भिंडी दो पैसे से, जितने मर्जी बेचे तुमको। भाई साके इधर आ जाइए, गरीब गुरबा के लिए सस्ती चलती फिरती दुकान मेरा मान मेरा है खान। अरे नादान तेरा बेड़ा। ये पालक कैसे दिए? आपको कितना चाहिए? दो से। अजी पालक के तो हम पैसे ही नहीं लेते, ले जाइए मुफ्त ले जाइए। और ये भिंडी कैसे थी? आपको कितना चाहिए? डेढ़ से। ये टोकरा ही ले जाइए। और क्या चाहिए? इतनी सस्ती सब्जी कहाँ से लेकर आती हूँ तुम? लूट का माल है, रातों को खेतों में जाता है, वहाँ से चोरी करके लाता है। अबे बकवास बंद कर, तू चुप। अबे तू चुप का दरवाज। ये टमाटर खा लीजिए, आप रेड ब्रेड हो जाएंगे। कोई बात नहीं, फिर तो ले जाओ, अपना ही माल है, बाप का माल है, ले जाओ बेटी ले जाओ। कितना मारती हो? ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल जैसे मजनू के कुत्तों से लैला प्यार किया करती थी, इसी तरह मुझे आपके इन छोटे छोटे कतूरों से बहुत प्यार है। और आपसे तो माशाल्लाह क्या बात है, यानी कि तारीफ जितनी भी की जाए कम है। ये दिखाइए उंगलियां, आपकी ये उंगलियां और ये भिंडी तोरी बिल्कुल आए हाय। और आपके ये जो गाल है बिल्कुल टमाटर है, और आप जो मुंह की गोलाई है ना बिल्कुल ये नहीं किया कदू। ये मतलब है? मेरा मतलब है कि हम आपको चाहते हैं। क्या? हम आपसे मोहब्बत करते हैं। बातों सुनिए, बातों सुनिए, मुस्तरना देखिए। इसे कहते हैं जलील होना यार की गली में। इसे फरमाओ से और मैं भिंडी पैसे से पहले मुफ्त ले जाओ, बाप का माल। मैं कहता हूँ तू इस गली में सोना नहीं बेच सकता। मैं जब तक चाहेगा मेरा जी मैं बेचूंगा। नहीं नहीं, ना बेच दे दूंगा और ना खुद बेच। मैं कहता हूँ तू नहीं बेच सकता। मार नहीं, मार नहीं, नहीं बेच सकता तू। अच्छा ये बात है? ये बात है। मैं तो वो किधर गया, किधर गया? मैं कहता हूँ तू नहीं बेच सकता। कल मेरे दुकानदारी का खाना खराब। ठीक है ठीक है, प्याज फेंकी। हाँ ये दे, ये दे, ये दे, क्या ये फुटबॉल दे। अच्छा दे फुटबॉल, ये दे। हाँ ये भिंडिया, ये भिंडिया। हाँ और ये वो भिंडिया, और ये रावल भिंडिया, ये दे, ये। अबे ये ले, ये ले, और ये ले। फॉरेस्ट ऑफिसर को दावतनामा पहुंचा दिया मज्जू? जी सरकार, मैं उसे खुद लेने के लिए जाऊंगा। और बाकी लवाजमात? सरकार
घुंघरुओं से लेके कड़वे पानी तक हर चीज का बंदोबस्त मुकम्मल कर दिया। काम का आदमी है। मौला बख्श, हमने तेरी बेटी को देखा, भला सा नाम है उसका, गुल, खासी खूबसूरत है। सरकार, कहीं शादी वगैरह की बात हुई है? अभी नहीं सरकार। तो फिर उसकी शादी का बंदोबस्त हम करें। ऐसा वक्त आया तो मैं अपनी बेटी का गला घोंट दूंगा। कितने पार्लर यार, जागीरदार साहब ने आज खाने पर बुलाया। सिर्फ खाना नहीं सरकार, खाने के साथ गाना बजाना भी। हाँ, और आप भी तशरीफ ले चलिए सरकार। क्या ख्याल? ख्याल तो बहुत अच्छे। बस मैं 2 मिनट में रेडी। सॉरी यार, 2 मिनट तो क्या, मैं 2 घंटे में रेडी नहीं हो सकता। मैं ये क्या बात हुई? बस भी चलो भाई। चलो भाई। कहाँ जा रहे थे? कहीं नहीं, बड़े बाबू से 2 मिनटों में रेडी। अरे वो तो मजाक कर रहा था। इतना शौक है गाने बजाने वाली औरतों को देखने का। सिर्फ तुझे देखने का शौक है चंचल? हाँ। इधर आ, आके बैठ जा। सिर्फ तुम्हें अच्छा लगती है चंचल। और तुम? अच्छा। अरे चंचल, आई मासी। मासी, कबाब में हड्डी, लाह में लाह। ऑफिसर साहब, मैं बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार कर रहा था। मैं हाजिर हूं। तशरीफ रखिए। हम अच्छे दोस्तों के अच्छे दोस्त साबित होते हैं। आपसे दोस्ती की इब्तिदा खासे रंगीन माहौल में हो रही है। तो रुख से उठेगा पर्दा, कभी तो रुख से उठेगा पर्दा, भरम खुलेगा कभी यकीन का, कभी कभी तो रुक से उठे।
क्या सोच रहे हो ऑफिसर? इस जागीर का ताल्लुक आपसे है? हाँ ऑफिसर, यह हवेली भी आपकी। सवाल बेहद अजीब है तुम्हारा। जागीर के असल वारिस कहाँ? भाई के कत्ल और भाभी भतीजे की गुमशुदगी के बाद इस जायदाद के असल वारिस हम हैं। और भाई का कातिल? तलाश के बावजूद नहीं मिल सका, लेकिन हमने तुम्हें सौदे के लिए बुलाया है ऑफिसर, अपने खानदान के अलमिये पर बहस के लिए नहीं। तो फिर सौदे की बात करो जागीरदार। खरीदना चाहते हो मुझे? बात खरीदने की नहीं, अरे फायदे की। फायदा और नुकसान एक तरफ, मैं तुमसे सौदा जरूर करूंगा जागीरदार। एहसान जो मुझ पर कर चुके हो और एहसान जो कर रहे हो उसका बदला मैं जरूर उतारूंगा। सिर्फ एक हस्ती का इंतजार, वो मिल जाए तो फिर मेरी और तुम्हारी मुलाकात हो। उस आदमी को जिंदा छोड़ के वापस जा रहे हो जो तुम्हारे बाप का दिल है। मेरा दिल तो मम्मी जान जिंदा, वो एक नए दिन मिल जाएंगे। वो दिन फिरोज की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बेहोशी अचानक हादसे की वजह, फॉरेस्ट ऑफिस से इत्तला कर दो। यस सर। और हाँ, इनके दोस्त डॉक्टर शाहिद को भी इत्तला कर दो। डाक बंगला, डाक बंगले में कमरा, फिर बिस्तर, बिस्तर पे होंगे साहब बहादुर। मेरा ख्याल है आज उन्हें आन का मूड नहीं है। साहब क्या बात है जो परेशान है आप? रात से मेरी उल्टी आंख फड़क रही है। आपकी उल्टी आंख का साहब से क्या ताल्लुक? अल्लाह खैर करे। ये लड़की इश्क के मर्ज में मुब्तला तो नहीं होगी? खैरियत तो है, घर में तो सब ठीक है ना? वो अनवर साहब है ना, वो कहाँ है? अच्छा था बेचारा, क्या हुआ उन्हें? बुरी तरह जख्मी हो गया है सरकारी अस्पताल में। जख्मी? दाग क्यों होता है? मामूली जख्म ठीक हो जाएगा, पर अब तो मुझे अपने पुराने जख्मों का इलाज भी मिल गया। पुराने जख्म? हाँ शायद, पता है क्या, रात हादसे के वक्त एक ऐसी चीज मेरे सामने आई, वो हकीकत है या वह मैं अभी तक फैसला नहीं कर सका। यादों को समझा नहीं। रात मेरी गाड़ी के सामने जो औरत आई थी ना श्री, वो हूबहू मेरी अम्मी से मिली थी। डॉक्टर ने उस खातून के मुताबिक बताया कि उसकी पेशानी में मामूली सी खराश आई, लिहाजा उसे उसी वक्त अस्पताल से रुखसत कर दिया गया है। दूसरे डॉक्टर से मालूम तो करो कौन थी। कहाँ ढूंढो उसे? कहाँ? जी मेरे बहन जी, तुम जागीरदार अमजद को जानती हो?
होने तो कदम भी बरसों हो गए। बरसों हो गए। मैं अभी तक जिंदा हूँ। आप कौन है? फिर बताऊंगी। ये रास्ता जागीरदार अमजद की हवेली की तरफ जाता है ना? वहां मत जाना। क्यों? वहां फिरोज का राज है। वो बाबूजी साहब जी अफसर साहब है ना, जंगल का अफसर। वो जख्मी हो गया है। वो किधर है? सामने वाले कमरे में। मैं चली जाऊँ अंदर? तुम कौन हो उसकी? मैं कोई भी नहीं, फिर भी चली जाऊँ अंदर। जाओ। बच्चे बच्चे रोया नहीं करते साहब जी। मुझे तो राधे को पता चल गया था। वो कैसे? रोटी पकाते वक्त दुपट्टा चल गया, बुझाने लगी तो हाथ की तो चूड़ियां भी टूट गई। तो क्या समझने लगी है मुझे? साहब जी बात कहने की नहीं है। देख वो गरीब बाप की बेटी है और थोड़ी सी पागल भी है। ज्यादा उलझन में जाएगी तो चेहरा दिल की जबान बन जाएगा और बदनाम हो जाएगी। वैसे भी ये राह बहुत कठिन है। देखा जाएगा। देखा क्या जाएगा, मेरे और तेरे रास्ते अलग अलग हैं। ये ना कहो साहब जी। अच्छा तू अभी जा, मैं फिर किसी वक्त समझाऊंगा तुझे। और यहाँ मत आना। दूर से देख जाया कर। अरे देख जाया कर, मैं जिंदगी भर यहाँ नहीं रहूंगा, दो चार दिन की बात है। जाओ। पागल कहीं आग रंगारे में मोहब्बत के फूल तलाश कर रहे। किसे मिला है तुम्हें? मैं इस घर में कौन रहता है? जगीदार साहब, फिरोज और उनकी बेगम। किस्मत की मारी मालूम होती है। हाँ। बेगम साहब से बात कर लो, वो बहुत रैम दिल है, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैं यहाँ नौकरी करूंगी? अच्छा तुम यहीं ठहरो, मैं बेगम साहब से बात करती हूँ। बेगम साहब एक बेवा औरत आपसे मिलने आई। किस लिए? मुलाजमत चाहती। उसे अंदर भेज दो। क्यों फरेब देती है अपने आप को? आईना कभी झूठ नहीं बोलता। बेगम साहिबा आदाब। आप ही बेगम फिरोज हैं? लोग यही कहते हैं। सर छुपाने का आसरा चाहिए। हवेली की शान शौकत से मुतासिर होकर आई। यही समझ लीजिए। शहर छोटा सही मगर दरवाजे बेशुमार हैं। कोई और घर देख लीजिए। अकीदत इसी दर से है। इन उजालों पर ना जाइए, गुनाहों की ये उजली दलदल दरअसल बहुत अंधेरी है। मेरे नसीब से फिर भी कम होगी। कोई अजीज या रिश्तेदार नहीं है आपका? कभी थे मगर अब दुश्मन है। औलाद कुदरत ने बख्शी थी, हाथ से छीन ली। मैं तो समझती थी आंसू हम नसीब के मारों का मुकद्दर ही हुआ करते हैं, लेकिन दिल में दहकती हुई जहन्नम की ठंडी आग तो आपकी पलकों पर भी लरसती नजर आ रही है। इतनी बड़ी जागीर का मालिक शोहर, आलीशान हवेली, रेशम कमखा और फिर कीमती जेवरात के बावजूद आपके चेहरे पर मेरा चेहरा क्यों सजा हुआ है? इसलिए
कि मैं शौहर की जिंदगी में विवाह हो गई हूँ, क्योंकि मेरा शौहर हर रात एक नई से सजाता है। कहाँ गया था? हॉस्पिटल। क्यों? मैं तो उसके एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? अरे टक्कर लगी, जख्मी हो गया। बड़ा बात है साहब। बेचारा। पहले हॉस्पिटल गया, उसके बाद डैडी के साथ। डैडी कौन? अरे मेरे अब्बा आ जाने वाले, जख्मी से बात कर रहा हूँ उनके साथ। अरे तू फिक्र मत कर, मुझे खूब आती है तम्मी से बात करना। देख अच्छा आप कैसा है? आप अच्छा है? वेरी गुड वेरी गुड। अब तुम घर जाओ, मैं भी मरीज हो गया। ये वही हवेली है जहाँ आपकी जिंदगी में हमारा हुक्म चला करता था। लेकिन लेकिन आज हम यहाँ मुलाजिमा है, बल्कि सिर्फ इसलिए कि आपकी रूह को तस्कीन हो जाए। हम आपसे वादा करते हैं फिर उसका लहू उसी तरह बहेगा जिस तरह आपका वादा, जिस तरह आपका वादा, जिस तरह आपका वादा। ये हमारे मालिक की तस्वीर है, अल्लाह बख्शे इन्हें, फरिश्ता थे ये शख्स। इन्हें कत्ल हुए बरसों गुजर गए, लेकिन आज तक इन्हें कोई भूल ना पाया। बच्चे बड़ी बेगम और अनवर मियां, खुदा उन्हें सलामत रखे, न जाने कहां होंगे। नए मालिक से खुश हूं? नहीं, जागीर के असल वारिसों का मुंतजर हूं। तुम्हें यकीन है वो वापस आ जाएंगे? मेरा दिल तो यही कहता है। बड़ी बेगम सामने आए तो पहचान लोगे? लाखों में पहचान लूंगा उन्हें। मौलादार, सरकार तुझे बुला रहे हैं। आप लोग आ गए। जिंदगी ऐसे मरहले में दाखिल हो गई है जहां आग लहू फूल और कांटे साथ साथ चल रहे। आप इसे मालूम करते थे ना मैं कौन हूं क्या हूं, अब आपको जल्दी मालूम हो जाएगा मैं कौन। अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा बेटे। अभी हमें जवाब नहीं, तुम्हारे इससे चाहिए पार्टनर। हाँ अनवर। अच्छा आप लोग थक गए होंगे, आप लोग आराम करें। अच्छा बेटे शुक्रिया, तुम भी आराम करो। तुम जरा बात सुनना। वो साहब जी, जी वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सुबह से 8 बार पूछ चुकी हूँ, जरा खुद जाकर देख ले। नहीं अंदर नहीं जाना, मना किया। हेलो सर। सुबह से एक लड़की बाहर बैठी है और एक ही बात पूछ रही है कि साहब जी ठीक है, क्या आप उसके रिश्तेदार हैं? नहीं, रिश्ता मेरा उसका कोई नहीं, पर अब ऐसा लगता है कि वो गैर भी नहीं। वो उन लोगों में से है जो एक एहसान के खातिर अपनी सारी जिंदगी वफ कर देते। लगाइए इंजेक्शन। मज्जू जला जाए रे। अबे ओ बदतमीज के बच्चे, तूने ये हारन क्यों बजाया? धराना जरा चिमगादड़ के बच्चे। मुझे बुलाया? क्या खूबसूरत बूटी है तुम्हारी। मज्जू। जी सरकार। किसने तेरे मुंह पर थप्पड़ मारा? हमें खुशी हुई। एक और मारू? नहीं नहीं अभी नहीं। साहब तेरी मोटर बड़ी अच्छी है। सैर करेगी मोटर? हाँ। आ जा फिर। ए हाथ मत पकड़ना। अरे करीब तो आ। मज्जू समझ गया सरकार। आ जा फिर। अनवर के इन जुमलों से मैं बहुत परेशान हूँ बेटे। आग ये लहू फूल और कांटे कुछ बात पल्ले नहीं पड़ी।
डैडी बचपन से लेकर अब तक उसके साथ रहा, लेकिन मैं उसे समझ ना सका। महसूस ये होता है जैसे वो आदमी नहीं समंदर, जिसकी तह में लाखों तूफान करवटें ले रहे। बिल्कुल यही बात है। ही इज ग्रेट। खैर, फिर उससे बात कर लेंगे। फिलहाल रात काफी गुजर चुकी है, हमें आराम करना चाहिए। हैं? अबे ओ चंचल, उठती है कि नहीं? बाप का बिस्तर समझ के सो रही है? अबे वो सीधी तरह उठ जा, नहीं तो ऐसा हाथ मारूंगा कि भेजा हिल जाएगा, सारी रात नींद नहीं आएगी। चंचल चलिए चलिए, अभी उठाता हूं तुझे। चंचल किसकी? चंचल ओए, मैं जागीरदार हूँ, छड़ दे मैनू, मैं तेरे टोटे करके चील कौवों को खिला दूंगा। अरे तुम पागल तो नहीं हो गई कहीं? पागल वागल नहीं हुई हूँ, मैं आज वहाँ से बच के आई हूँ जहाँ से कोई नहीं आता। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज नाचूंगी गाऊंगी शोर मचाऊंगी। बिल्कुल नहीं, आज की रात नहीं, आज की रात मेरी है। आज की रात तुम्हारी नहीं, कल की रात तुम्हारी है। अच्छा पावे होवे लड़ाई, पावे होवे लड़ाई, पावे होवे झगड़ा, मैं तो डालूंगी आज सारी रात भंगड़ा, मैं तो डालूंगी आज सारी रात भंगड़ा, पावे होवे लड़ाई, पावे होवे झगड़ा।
क्या रही इतनी रात गए? तुम कौन होते हो पूछने वाले? चंचल, ये मेरे मम्मी डैडी हैं। अरे अम्मी अब्बा है, कौन है? अच्छा 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 अच्छा, तेरी अम्मा तो बड़ी गोरी चिट्टी गोल मटोल है माशाल्लाह, मगर तेरा अब्बा क्या बदतमीजी है? किधर का है बदतमीजी? तुमसे कहा जा रहा है लड़की बड़ों के साथ अदब के साथ बात किया करो। हाँ, अदब से बात क्या करो, ये तो हम बाद में पूछेंगे बरखुरदा। अदा नाम आखून, पहले ये बताओ कि ये लड़की इस कमरे में आई कैसे? अरे बाबा, मैं खुद आई हूँ। दरअसल बात ये है कि मेरा और इसका इश्क चल रहा है, मोहब्बत। अरे सहारा तो बेगम। अम्मी बेटा कुछ करो, अरे होश में आओ बेगम। अम्मी बेगम, दरअसल बात ये है कि ये बड़ी सीधी साधी है, बड़ी सीधी साधी लड़की है, जैसे पता नहीं ये क्या कह रही, क्यों कह रही, किसे कह रही, क्या कह रही है। अम्मी जान, अपने होने वाली भूल को माफ कर दो ना। क्या मतलब? बेगम मतलब ये है कि लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, अब हम दोनों कुछ भी नहीं कर सकते, इन बच्चों का जमाना है। बरखुरदार, इसके माँ बाप को बुला लो, जरा हम शादी वादी की बात कर लेंगे। बड़ी जरा तू मुझे तो डराई थी। अरे तू अस्पताल में क्या करने आई है? तू क्या करने आई है? मैं तो अपने वाले बाबू को देखने आई थी। ये अपना वाला बाबू कौन है? अरे वही जो डाक बंगले में डॉक्टर है, उससे जरा कुछ है। ए क्या है? अरे वही मोहब्बत शोहब्बत का चक्कर, तुझे खुदा समझे, पहले अपना कद देख और ये मोहब्बत शोहब्बत का चक्कर देख। हाँ भाई, कद तो तेरा मुनासिब है मोहब्बत शोहब्बत के चक्कर के लिए। अरे अब वक्त फलाल कर देगा, बाबू के माँ बाप तो राजी हैं, अपने अब्बा अगर राजी हो जाए ना तो मेरी और उसकी शादी हो जाएगी। जा फिर अब्बा से बात कर ले। मैं कैसे बात करूँ, तू ही कोई तरकीब बता दे ना। मेरा तो खुद जहन काम नहीं कर रहा, बाबू जख्मी हो गया है अफसर साहब, उसकी वजह से दिल उदास है मेरा। वो कौन है तेरा? बस जो भी है है, तुझे नहीं बताऊंगी। तो फिर मैं यही बात अब्बा को बता दूंगी। अरे पागल हुई है क्या? तो फिर मुझे तरकीब बता। मेरी बात अब्बा को तो नहीं बताएगी? नहीं, अगर तूने तरकीब कुछ ठीक ठाक बता दी तो नहीं बताऊंगी। देख, लड़के वाले खुद लड़की वालों के पास जाते हैं, बाबू से कह अपने माँ बाप अब्बा के पास भेज दे। अरे वाह, तू तो बड़ी मन है। इस पोटरी में क्या है? बाबू के लिए फल ले जा रही हूँ। मुझे भी एक दे देना। चल चल, इसमें से एक दाना भी नहीं दूंगी। हाँ नियति कहीं की। सब आप मुझे कब रिहाई देंगे? मुझे बहुत काम कर। सिर्फ दो दिन की बात है, घबराने की जरूरत नहीं। बढ़ क्यों नहीं जाती? फिर आ गए? ये देने आई थी। आज नहीं आएगी? नहीं। क्यों? गरीब का तोहफा है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, मासी से 2 रुपए उधार लेके खरीदे हैं। और मासी से कह लिया होगा कि साहब जी के लिए फल लेने जा रही। लो, ऐसी बात कोई मैं हर एक से थोड़ी कहती फिरूंगी। तेरा क्या भरोसा? भरोसे की बात मत करो साहब जी, कोई हुक्म दे के देखो। जनाब हुक्म नहीं है, इल्तिजा है। आप मुझे ऐसे ही भूल जाएं जैसे मैं और आप कभी मिले ही नहीं। वो क्यों? वो इसलिए कि मेरे एक हाथ में आग और दूसरे हाथ में किसी के लहू से भीगे हुए कपड़े। मैं किसी को मोहब्बत नहीं दे सकता। वापस अपनी दुनिया में लौट जाओ। साहब जी आखिरी बात, तुम कुछ भी कहते फिरो, भले नफरत करो मुझसे, लेकिन मैं जहाँ रहूंगी किधर जाऊंगी सर से पैर तक तुम्हारी रहूंगी। अजीब जबरदस्ती। मैंने जो पेट्रोल के लिए तुम्हें 100 रुपए दिए थे उसका पहले हिसाब दो। अरे भाई पेट्रोल गाड़ी फूक गई, मैं थोड़ी खा गया, हिसाब दो हिसाब दो। अम्मी जी सलाम, अब्बू जी सलाम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटी। अरे बेगम अपनी होने वाली बहू को जरा दुआएं तो दो। इस काम के लिए आप ही काफी हैं। इंशाल्लाह दुआएं दे दोगी तो घट तो नहीं जाओगी। सुन रहे हैं?
सुन रहा हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी होने वाली बहू बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पट 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 ये बढ़ जाती है। ये इस घर में बहू बनकर आ गई तो सास घर से बाहर होगी, मेरा इस घर में एक मिनट गुजारा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, मैं बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं अपने बेटे के लिए पढ़ी लिखी मौजिब और खूबसूरत सी बहू लाऊंगी। और खूबसूरत सी बहू लाऊंगी, ऊपर चली जाओ माँ, माँ से कोई हूर ले आओ। अब्बा समझा लो अपनी बेगम साहिबा को, वरना तो क्या कर लेती, बड़ी हो माँ की जीती हो, होती मेरी जीती तो साथ साथ धोबी पटरा मारती। हाँ मुलायजा धोबी पटरा मारती, क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, अमन शांति इस दौर में अमन की सख्त जरूरत है, लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है जी, कोई फायदा नहीं। तोबा नौज बिल्लाह, अरे बेगम माफ कर दो, अपने होने वाली बहू है ना? नहीं बिल्कुल नहीं, तुम नहीं हम भी नहीं, बिल्कुल नहीं, खत्म। अरे बेटा, अरे भाई हमसे क्यों झगड़ रही हो, हमें तो मंजूर है। अरे बेटा माफ कर दो, अरे आप तो मैंने आपकी सेहत के लिए बहुत दुआएं मांगी हैं सर, मजारों पर फूल चढ़ाए हैं, हालांकि फूल आजकल अवेलेबल नहीं है और ब्लैक में मिलता भी है तो उनमें खुशबू नहीं। जैसे तेरी मर्जी। इक्तदार के महल हमेशा अपनों की लाशों पर तामीर किए जाते हैं, ले आओ इन दोनों को, गोली मार कर लाशें खड़ में फेंक। कौन हो तुम? गुल, यहाँ किस लिए आई हो? साहब जी। गुल, उसे आवाज मत दो जिसे खुद अपने वजूद का यकीन ना हो। मैं उस चट्टान पर खड़ा हूँ जिसके चारों तरफ आग ही आग है, उस मंजिल की तरफ जा रहा हूँ जहाँ मौत अपने बेशुमार मुंह खोले मेरा इंतजार कर रही है। वापस लौट जाओ, मेरे पीछे मत आओ। अपने आप को बर्बाद करने का शौक है तुझे? हाँ, तुम्हारी खातिर। तो फिर जा गुल, इंतजार कर, नसीब में क्या है, शहनाइयों की आवाज या जिंदगी भर दिल के जख्मों से उभरती हुई सिसकियां, इसका फैसला वक्त करेगा। दहली से जो भी मिल जाए साहब जी। दादा या अब्बा अम्मी को मना कर एक कदर शादी कर ही डालो। हाँ कर ही ले, अच्छा है तेरा घर बस जाए। साथी है। कौन? तू। मैं? तुझसे शादी? ना बाबा ना। ना बाबा ना का मतलब है हाँ बाबा हाँ। ना ना ना। तेरे घर डोली लेके आऊंगा, घर डोली लेके आऊंगा, तुझे दुल्हन बना के ले जाऊंगा, तेरे बच्चों का बाप कहलाऊंगा। इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह, ओ इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। तेरे घर को मैं जन्नत बनाऊंगी, तेरे दुख सुख में हाथ
चंदन के छांव में अपना छोटा सा घर होगा। दूर गगन के छांव में अपना छोटा सा घर होगा, होगा प्यार ही प्यार जहां ना दुनिया का डर होगा। शिकार पर जा रहा हूँ। शिकार पर? तुम्हें ये शौक कब से हुआ? बात शौक की नहीं अंकल, फर्ज की। इस वादी में एक ऐसा दरिंदा भी रहता है जो इंसानी लहू से अपनी प्यास बुझाता है। तो तुम उसे खत्म करना चाहते हो? जी नहीं, मैं उसे मौत के करीब लाकर हर बार उसे एक नए जख्म की अजियत देना चाहता हूँ। नहीं बेटे, तुम्हें इस तरह खतरे से नहीं खेलना चाहिए। अंकल, मैं जानता हूं आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं आपके लिए दुख नहीं बनूंगा। खुदा खुदा। एक मर्तबा तुझे घर में देखा था, आज तन्हाई में देख रहा। खूबसूरत है और खूबसूरत चीज को खूबसूरत जगह में रहना चाहिए। हवेली चलेगी हमारे साथ? अरे क्या देखो ये, शिकार कर रहे हो अभी? हाँ, शिकार का तो ये बहुत पुरानी है। मगर तुम्हारे शिकार करने का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ है, बंदूक के बगैर ही पूरा हो जाता है। मेरा मतलब उस खूबसूरत शिकार से जो तुम्हारे पहलू में। तमीज से बात करो जागीरदार, ये लड़की मेरी इज्जत है। इज्जत तो उस चीज की होती है ऑफिसर जो जान से ज्यादा अजीज हो, और एक गैर लड़की उस वक्त तक इज्जत नहीं हो सकती जब तक कि वो मोहब्बत ना हो। ठीक है, तुम जिस बात से मुश्तैल हो मैं उस पे हाँ कहूंगा। तो ऐसी भी क्या दुश्मनी है ऑफिसर? दिल की स्लेट पर दुश्मनी लिखने के चंद ही तरीके होते हैं जागीरदार, जबान, तलवार की नोक या बंदूक की गोली। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा।
लोग मतलब समझने के लिए बरसों इंतजार करते हैं, तुम्हें सिर्फ चंद दिन इंतजार करना। अरे नहीं नहीं ऑफिसर, मैं ऐसी दुश्मनी को कोई अहमियत नहीं देता जो औरत की वजह से शुरू हो। फिर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे जागीर था। जो कुछ तुमने कहा है वो सच है। हाँ गुल, अब सच है। मौलवी जी। सरकार। अच्छा धंधा शुरू किया है तूने। अपनी गुर्बत दूर करने की अच्छी तरकीब सोची है। मैं समझा नहीं सरकार। तेरी खूबसूरत बेटी गुल ने फॉरेस्ट ऑफिसर को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है। नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। मैंने उसे खुद फॉरेस्ट ऑफिसर की आगोश में देखा है। खुदा के लिए चुप हो जाइए सरकार, मैं बेटी का बाप हूँ। बेटी का बाप है तो पूछ जाकर अपनी उस बेटी से। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सच है या झूठ मैं अभी पूछ। जैसे मैं फूलों में रहती हूँ, फूलों में चलती हूँ, और तुम्हारे प्यार की मीठी यादें अपने सीने से लगाए फूलों की सेज पर सो जाती हूँ। शर्माए हम तो ऐसे कि गुलनार हो गए।
सा हया के बाद सब कुछ खुदा से मांग लिया। समझते हो तो अपने चेहरे की स्याही मेरे लहू से धो डालो अब्बा, या फिर मुझे इतनी मोहलत दो कि मैं अपनी सफाई में जो कहना चाहती हूँ कह दूँ। आप क्या कहना चाहती है? कहने के लिए वो ज़बानें काफी नहीं जो हंस के मुस्कुरा के तंज की तलवारें मेरे सीने में उतार कर तेरे इश्क की दास्तान मुझे सुना चुकी है। क्या कहा है तुमसे? किसने कहा है? जागीरदार ने। उस आका ने जो बेबस गुलामों की इज्जत लूट कर खुश होता है, उस भेड़िए ने जब मासूम के लहू से अपनी ख्वाबगाहों में रंग भरता है, इंसानों की शक्ल के उस तरिंदे ने जिसने तेरी बेटी को लूट का माल समझकर अपनी हवस की आग में झोंक देना चाहा, और इल्जाम उस पर है जिसने मुझे उसके नापाक हाथों से बचाया। वो अफसर है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अच्छा इंसान है। अगर उसकी इज्जत, उससे मोहब्बत, उसका एहतराम करना जुर्म है तो फिर देर क्यों कर रहे हो अब्बा? ला ये खंजर मुझे दे दो, मैं खुद इसे अपने सीने में उतार लूंगी। अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी बेटी इतनी बेगैरत, बोलो जवाब दो अब्बा। इसका फैसला मैं उस अफसर से बात करके करूंगा। कौन है? एक बड़े जागीरदार का गुलाम। काम क्या? फॉरेस्ट ऑफिसर आपने? हाँ, मैं जवान बेटियों का बाप हूँ। मेरी एक बेटी पर यह इल्जाम है कि वो आपको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा रही है। ये सच है या झूठ खुदा बेहतर जानता है, लेकिन हम गरीबों के पास एक ही दौलत है बाबूजी, और वो है हमारी इज्जत। नाम क्या है तुम्हारा? मौला बख्श। जागीरदार फिरोज के मुलाजिम? जी हाँ। जो कुछ उसने कहा है वो उसके स्याह आमाल की तरह झूठ है। मैं तुम्हें बताऊंगा सच क्या है, मैं क्या हूं, और मैं उस पागल सी लड़की को क्या समझता हूं जो तुम्हारी बेटी है। ये झूठ है बाबा कि उसने मुझे अपने जाल में फंसा रखा है, लेकिन ये सच है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। बाबू साहब, मेरी बात पूरी हो लेने दो। बाबा, देखा है तुम्हें तो भूली बसरी सारी बातें याद आ गई। बाज औकात चेहरे माजी की धूल में इतने अट जाते हैं कि आदमी पहचान नहीं पाता, लेकिन मैं तुम्हें पहचान गया। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है बाबा, जब शिकार पर गए थे जागीरदार, अमजद और खुद शिकार होकर आ गए थे।
जब एक बेवा की आहें और एक यतीम की चीखें उस हवेली में गूंजी थी, जब तुम खामोशी से अपनी आका के कदमों पर पड़े रो रहे थे। आप ये सब कैसे जानते हैं? पापा, मैं अनवर हूं। अनवर? अनवर मियां, बेगम साहिबा कहां है? खुदा ही बेहतर जानता है बाबा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो जिंदा है। क्या आप बचपन में उनसे बिछड़ गए थे छोटे सरकार? बाबा, मुझे सिर्फ इतना याद है कि फिरोज ने मुझ पर और अम्मी पर गोली चढ़ाई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद। अब देर किस बात की है सरकार, उस नापाक इंसान को गरीबान से पकड़कर हवेली से बाहर निकाल दीजिए। ये वक्त भी दूर नहीं है बाबा। आप क्या मिल गए हैं छोटे सरकार, मुझे तो दुनिया मिल गई है दुनिया। ठीक है बाबा, लेकिन इस मुलाकात का किसी से तस्करा मत करना। किसी से नहीं कहूंगा सरकार, किसी से नहीं कहूंगा, मां सिवाय गुल के किसी से नहीं कहूंगा। बताया है कि आप तो हमारे सरकार हैं, माई बाप है, आका है। अब्बा ने बता दिया है ना? हाँ हाँ। अब तू किसी को मत बता दीजो। बिल्कुल नहीं बताऊंगी, लेकिन एक बात पूछो साहब। पूछो। वो उस मुए जागीरदार के सामने जो तुमने कहा था ना, वो सच्चे दिल से कहा था। क्या मतलब है तेरा? आदमी के दो दिल होते हैं, एक सच्चा दिल एक झूठा दिल। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कई दफा आदमी यूं ही बोल देता है सही निके। मैं यूं ही नहीं बोलता, और सुन, झूठ भी नहीं बोलता। पहली बार तुझे देखा था तो ऐसे ही लगी थी, बाद में तेरी सादगी खुलूस बातें जहन पर ऐसी छाई हैं कि अब बुलाना भी चाहूं तो नहीं बुला सकता। सच बाबू? फिर वही सच? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप बहुत सच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, बात के बहुत पक्के हैं, और मुझे बहुत ये बहुत खाने को दौड़ता हूं। बहुत खुश नजर आ रही है। हाँ, कोई खजाना मिल गया है? हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना। हमें नहीं बताई? सुनोगे तुम? हाँ। मुझे एक चीज होती है ना दुनिया में, जिसे लोग कहते हैं प्यार, वो मिल गया है मुझे। किसने दिया है वो? उसे तुम अच्छी तरह जानते हो। वो ऑफिसर? हाँ, बहुत जल्दी पहचान लिया तुमने। कुछ बात बने सरकार? मैं हो गई दिलदार की, होने लगी चुभन प्यार की। Thank you.
जरूर। जी सरकार। कुल तो सर से पैर तक उस ऑफिसर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। दुरुस्त फरमाया हुजूर। तो क्या वो ऑफिसर उस मामूली दर्जे के आदमी की बेटी से शादी करने पर तैयार हो जाएगा? सरकार, मोहब्बत में सब कुछ चलता है। तो ये तो हमारी पहली शिकस्त होगी। ये शिकस्त आपकी फतेह में भी बदल सकते। वो कहते आप गुल से शादी कर लीजिए, मौला बख्श मान जाएगा। अरे सरकार, नोटों की ताकत इस्तेमाल कीजिएगा तो मौला बख्श का बाप भी राजी हो जाएगा, मगर पहले मजनू को लैला से लैला को मजनू से बजन करना होगा। तो ये काम तुझसे बेहतर और कौन कर सकता है? मैं पहुंच जाऊंगा मजनू के हुजरे पर और सुनाऊंगा गुल के बारे में ऐसी कहानियां कि डियर अफसर मजनू के दिल में नफरत का तूफान जाग उठेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और इधर हम करते हैं तैयारी शादी की गुल से। मेरी तरह से नवी शादी की पेशगी मुबारक हो। आइए बानो, बैठिए, आज आपको एक नई बात सुनाए। हमारे शहर एक और शादी कर रहे हैं। बाप के साथ दिल और घर दोनों जोड़ने के आदि हैं। हुक्म ये है कि मैं खामोश रहूं, अपनी ही आंखों से अपनी बर्बादी का तमाशा देखूं और उफ ना करूं। आप उनका हुक्म मानेंगे? औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है बानो, मगर सौकन नहीं। फिर क्या इरादा है? जुल्म की हद और सब्र की इंतहा हो चुकी है बानो। मैं अपनी जिंदगी में अपने जैसी मजलूम औरत को तबाह नहीं होने दूंगी। अब किससे शादी कर रहे हैं जागीरदार साहब? मौला बख्श की बेटी को अपनी नई दुल्हन बनाना चाहते हैं। अब तो मुझे उस दिन का इंतजार है छोटे साहब, जिस दिन आपका हाथ होगा और उस जालिम का गरेबान। फिर आप उस झूठे जागीरदार से एक एक लम्हे का हिसाब लीजिएगा छोटे सरकार। तुम फिक्र मत करो बाबा, मैंने उसके बारे में सोच लिया। वो मेरे खानदान की बर्बादी का जिम्मेदार है, मेरे बाप का कातिल है। उसका अंजाम तुम अपनी आंखों से देख लेना। उसने भाई बनकर भाई का कत्ल किया, चचा बनकर भतीजे को दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया। उसका अंजाम तुम अपनी आंखों से देखोगे। सरकार, असल दुश्मन आपका जिंदा है, वो जागीर का असल वारिस अनवर आपका भतीजा है। क्या बकवास कर रहा है? हाँ सरकार, वो वारिस ऑफिसर अनवर आपका भतीजा है। मैंने सारी बातें अपने कानों से। किसी हादसे का शिकार हो गए? हादसे का शिकार तो अक्सर होता रहता है। क्या पियेंगे? हम जो पीते हैं वो शायद तुम्हारे यहाँ ना होगा। ये तो चाय मंगवा लीजिए। इस इलाके में पहली बार आए ना? जी। मैं आपके खानदान के बारे में पूछना चाहूंगा। अच्छा खानदान? लेकिन हर अच्छे खानदान में कुछ बुरे लोग भी होते हैं जागीरदार साहब, और उसमें से शायद एक मैं भी। हो सकता है आपको यकीन ना आए, लेकिन ये हकीकत है जागीरदार साहब कि बचपन से लेकर अब तक एक ही रंग सवार है मेरे जहन पर, सुर्ख रंग, बहते हुए लहू का रंग। एक ही आवाज सुनता आया हूं, किसी मजलूम की तभी तभी सिसकियों की आवाज, और इंसानी शक्ल में एक महजब दरिंदे का कहकहा जो मेरे इर्द गिर्द जाल की तरह फैला हुआ है। जागीरदार साहब, ये सब कुछ क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इस जाल को तोड़ना चाहता हूं। इसका मतलब है तुम नफ्सियाती मरीज? मेरे इस मर्ज का एक अच्छा सा नाम दिया जागीरदार साहब, और मैंने उसका इलाज भी तलाश कर लिया। मैं इजाजत चाहूंगा। चाय नहीं पियेंगे? फिर कभी सही। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जागीरदार। मौला बख्श। जी सरकार।
ये 5,000 रुपया लो, शहर चले जाओ और हमारी नई बेगम के वालिद को दे आओ। बहुत अच्छा सरकार। अबे मंजू। जी सरकार। मौला बख्श को मैंने शहर भेज दिया है, अब मैदान खाली है। अगर मैदान खाली है तो हुजूर की फेज फूलों से मैं भर दूंगा। अबे ओ सड़े हुए आलू बुखारी, इस मस्ती की क्या बात है? अरे पागल, हंसी लिया रहा हूँ कि तूने इतनी सी बात को इतनी बड़ी बना दी। अबे ये इतनी सी बात है मेरी शादी की बात? अरे हाँ तो और क्या भाई, लड़का राजी, लड़के के माँ बाप राजी, अब सिर्फ तेरे बाप का राजी होना है। यही तो मुश्किल बात है। अरे ये कोई मुश्किल नहीं भाई, जागीर तेरा बाप है ना, जागीरदार साहब का मुलाजिम, जागीरदार साहब कहेंगे तेरा बाप का बाप भी राजी हो जाएगा। अरे ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। अच्छा अब ये तू सोचना समझना छोड़ दे, सब बात नहीं, मेरे साथ चल जागीरदार साहब के पास, वो बहुत अकलमंद आदमी है, कुछ कहे हर काम समझ जाते हैं, हर बात समझ जाते हैं, और तेरा काम हो जाएगा। अच्छा चल तेरे सेरे के फूल। चल दे मगर मगर आनी है, चल। आजा बुला, जितक चलिया सरकार को सलाम करो और दरबार में बैठ जाओ। बैठ जाओ। हाँ हाँ बैठ जाओ। क्या नाम है तेरा? चंचल है जी। बहुत अच्छा नाम है, तू भी बहुत अच्छी है। गरीब घर में पैदा हुई है ना, इसलिए कपड़े जरा सस्ते हैं। तेरे लिए दो बुली जॉर्जेट, रेड क्रेप, सुफीनी, क्रिपलीन, आपका नशा, सब आ जाए। साहब जी कपड़े तो अलग, खाने पीने को भी ठीक से नहीं मिलता, रोटियाँ गिन गिन के मिलती हैं। तू फिक्र न कर, आज तेरी तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी। सब तेरे लिए। हाँ उठा ले उठा ले। हाँ उठा ले। बैठ जाओ। इतने बहुत सारे नोट देखकर खुश हो ना? चाची बैठो। तेरी आवाज और आंसू मेरे रास्ते की दीवार नहीं बन सकते, और होगा वही जो मैं चाहूंगा। नहीं होगा जागीरदार साहब, मैं तेरा गला घोटूंगा, गोली मार दूंगा तुझे। तुम मारत को एक खिलौना समझते हो, मासूमों के लहू से हाथ रंगना तुम्हारी पुरानी आदत है, लेकिन अब इस घर में गुनाहों का नया खेल नहीं हो सकता। तू रोक सकती है मुझे? हाँ, मैं रोक सकती हूँ तुम्हें, मैं अपने दिल पर लगे हुए हर जख्म का बदला भी ले सकती हूँ। ले बदला। जाने से पहले आखिरी बात सुनते जाओ जागीरदार, औरत की मोहब्बत नफरत में बदलती है तो वो जहन्नुम की आग की तरह हर चीज को जलाकर राख कर देती है। तुम अपने सर पर किसी और नाम का सेहरा सजाओगे तो मैं उस सेहरे का एक एक फूल तुम्हारे खून में डबो कर रख दूंगी और तुम्हारी लाश पर एक आंसू भी नहीं बहाऊंगी। अबे लड़की कर रही,
वो नए मुलाजमा ने उसको फरार कर दिया। उल्लू का जानती है तूने हमारे शिकार को भगाकर कितना बड़ा जुर्म किया है। हम तेरी यह गलती कभी माफ नहीं करेंगे। इसी वक्त बाहर निकल जा। तुम हमें यह हुक्म नहीं दे सकते। मुलाजमों तुम जिंदा हो अभी तक? हमने मौत को सिर्फ तेरी खातिर शिकस्त दी है जागीरदार। 18 साल अंधेरों में ठोकरे खाई है और अब सर से पैर तक इंतकाम बनकर तेरे सामने है। सारे दरवाजे बंद कर दे मज्जू। मैं एक बार फिर हवेली की दीवारें अपने दुश्मन के लहू से रंगना चाहता हूँ। अब ये लहू इतना अर्जन नहीं है जागीरदार। इसका फैसला भी हो जाएगा। फैसला तो उसी दिन हो गया था कातिल, जिस दिन तूने भाई की लाश पर अपने इंतजार का महल ताने दिया था। फैसला तो उसी दिन हो गया था जिस दिन हमारा सुहाग हमारी आंखों के सामने उजड़ा था। हमने उसी दिन इंतकाम के 6 हरू शौहर के लहू से अपनी परेशानी भरी की। औरत, तू चूटी की मानिंद कमजोर है, बेबस है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू जिंदगी भर औरत को खिलौना समझकर खेलता रहा है। तूने लूट के माल से हव्वा की बेटियों के जिस्म जरूर खरीदे हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत नहीं थी। औरत जब बीवी बनती है तो शौहर के लिए जीती है, उसके लिए ही मरती है। हम जिंदा नहीं, हम मर चुके हैं, लेकिन लेकिन तेरी मौत हमारे हाथ से जरूर लिखी है। औरत का सहारा मत ले बुजदिल सामने आ, हम तेरे सीने पर गोली मारना चाहते हैं। रुपये पहुंचा दिए मौला बॉस। शहर वालों ने लूट लिया। क्या बकवास कर रहा है? मैं इस झूठी कहानी पर यकीन नहीं करूंगा। मुझे अभी और इसी वक्त रुपया चाहिए। इतना बहुत सा रुपया कहां से लाऊं सरकार? गरीब को ना उधार मिलता है और ना भीख, और ना वो बिक सकता है मालिक। भीख और उधार की जरूरत नहीं मौला बख्श, सौदा कर। मैं तेरे इकरार की कीमत 10,000 देने को तैयार। मैं समझा नहीं मालिक। गुल है ना तेरी बेटी, उसका हाथ हमारे हाथ में दे दे। मालिक, और बदगैरत का नाम है बेगैरती का नहीं। मैं खुद बिक जाऊंगा, लेकिन अपनी बेटी का सौदा नहीं करूंगा। जानता है किससे बात कर रहा है तू? मैं इस पर गुलाम नहीं, बेटी का बाप बोल रहा हूँ। मैं गरीब की इज्जत और गरीब माँ बाप की बेटी हूँ। मुझ पे जो कुछ बीत चुकी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब क्या होगा ये आप नहीं जानती। वो जिसका दुश्मन हो जाता है उसे खत्म करा देता है। तू जिसकी बेटी है उसने मेरे बाप की लाश पर आंसू बहाए थे, उसका एहसान मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। जो हाथ तेरी इज्जत की तरफ बड़े हैं वही हाथ मेरे खून से भी रंगे हुए हैं। मुझे ये फर्ज भी याद है और वो कौल भी कि दुश्मन की गोली का जवाब गोली से देना चाहिए। आज मैं जागीरदार से मजलूमों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लूंगा। लेती है हमारे इलाके में और मोहब्बत करती है उससे जो हमारा मुखालिफ है। वो तुमसे अच्छा आदमी है। क्या रखा है उसके पास? सिर्फ एक नाम, अफसर। हमारे पास दौलत है, जागीर है। औरत दौलत और जागीर से नहीं इंसान से प्यार करती है। हम उससे बेहतर इंसान है। तुम्हारी इंसानियत गुनाह में डूबी हुई एक ऐसी लाश है जिसकी बदबू से इलाके के शरीफ आदमियों का दम घुटने लगा है। तो फिर आज तेरी शराफत का भी दम घुटने लगेगा। बेगम साहिबा। हाँ मौला बख्श।
मर जाओ। वो माँ और बेटा जिंदा है और खुल कर हमारे सामने आ गए। मुझे शिकस्त देना चाहते हैं वो, लेकिन मैं भी 15 साल पुरानी तारीख दोहराऊंगा। बच्चों, तू अनवर से जाकर कह दे कि उसकी मोहब्बत हमारे कब्जे में है। मैं चाहता हूँ कि वो माँ और बेटा दोनों यहाँ आए ताकि हमारी एक ही गोली का निशाना बन जाए। और सुन, हवेली के बाहर कोई ना हो, ताकि उन माँ बेटे के लाशों को ठिकाने लगाने में आसानी हो। तू इससे बचकर क्या जा सकती है? जिस माँ का शेर जिंदा हो वो किसी तरह से नहीं डर सकती, किसी से नहीं डर सकती। दुश्मन को आवाज दे रहा हूं जागीरदार, नाम तुम जानते हो, चेहरा मैंने पहचान लिया है। मैं मौत बनकर आवाज दे रहा हूं, तुम मर बनकर बाहर आओ कि आज फैसले का दिन है। आखिरी बार तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, झूठे जागीरदार बाहर निकल आओ। मीजान ये खुशी है कि तुम निहत्ते नहीं आए हो ऑफिसर, और ये भी खुशी है कि माँ ढाल बनकर तुम्हारे सामने आ गई है। अब सिर्फ एक गोली खर्च होगी मेरी और दो लाशें जमीन पर लगती नजर आएंगी। नहीं जागीरदार, जिसके सर पर माँ का साया हो मौत भी टल जाती है वहां से, और मौत मुझे कबूल है, लेकिन उतना लहू बहाने के बाद जितना लहू मेरे बाप के सीने से बहा था, उतनी अजियत देने के बाद जितनी अजियत मेरी माँ ने बर्दाश्त की है। ऑफिसर, आज मैं देखना चाहता हूँ इस खूबसूरत लाश को देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं या नहीं। तुम्हारे हौसले ने दम क्यों तोड़ दिया ऑफिसर? जाओ गाड़ी, गाड़ी चलाओ साहब जी। मत सोचो कि मैं सामने हूँ, मार जाने तो मुझे। ये मेरे साथ मर गया तो बाबा को जिंदगी मिल जाएगी साहब। चलाओ गाड़ी। तुमसे अजीज कोई नहीं है।